हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अत्याधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल बनाना एक पुण्य का कार्य, मंत्री विश्वी। भामाशाह द्वारा निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का किया लोकार्पण। बड़गांव कस्बे में शावक रत्न शाह बाबूलाल जी, केवल चंद जी अचलानी, शाह मुकेश कुमार बाबूलाल जी अचलानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव के नए भवन के लोकार्पण समारोह का आयोजन रविवार को सुबह 11 बजे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी की अध्यक्षता एवं विधायक नारायण सिंह देवल, बड़गांव रावत महेंद्र सिंह देवड़ा, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा, रानीवाड़ा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा व बड़गांव उप सरपंच इकशवाकू सिंह देवड़ा के विशिष्ट अतिथि में किया गया। समारोह में अतिथिगण के तौर पर भामाशाह एवं उद्योगपति प्रताप पुरोहित, पूर्व सरपंच बाबूलाल चौधरी, उद्योगपति दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, हरेश कुमार, शैतान राव जठेंतरी, रमेश कुमार माधानी, कीर्ति कुमार जैन, शाह दली चंद्र, छगनलाल जैन, पुकराज मेहता एवं मूल चंद्र भी उपस्थित रहे। ज्ञात रहे भामाशाह मुकेश कुमार बाबूलाल अचलानी परिवार ने बड़गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की जगह करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधा युक्त नवीन भवन तैयार करवाया है। अतिथियों द्वारा नवीन भवन का फीता काटकर एवं लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात समारोह में मुख्य अतिथि वन मंत्री बिश्नोई ने भामाशाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि भामाशाह अचलानी परिवार ने कर्म भूमि में कमाए धन का सदुपयोग कर जन्म भूमि पर आम जन के लिए समस्त सुविधा युक्त अस्पताल बनाया, जो एक पुण्य का कार्य है। बिश्नोई ने कहा कि अगर कोई अपनी कमाई की 10% राशि भी पुण्यार्थी के कार्य में लगाते हैं, तो वो पुण्य अपने परिवार का सुदर्शन चक्र बनकर रक्षा करता है। बिश्नोई ने पेयजल समस्या पर बोलते हुए विश्वास दिलाया कि DRER नर्मदा प्रोजेक्ट में जो कमियां रही हैं, उन्हें दुरुस्त करवाने के लिए जल्दी अधिकारियों की बैठक लेकर हर ठानी तक पेयजल पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने भामाशाह अचलानी परिवार द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक सुविधा युक्त सुंदर भव्य भवन की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि बड़गांव सहित आसपास के निवासियों के लिए चिकित्सा सेवा के लिए भामाशाह परिवार ने दिल खोलकर पैसा लगाया है। अब यहाँ के निवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेंगी एवं उन्हें इलाज हेतु तो गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। देवासी ने DR स्कीम के तहत सांचौर शहर, रानीवाड़ा व जसवंतपुरा में हर घर तक नल पहुंचाने की इस बजट में घोषणा करने पर मुख्यमंत्री गहलोत को धन्यवाद भी दिया। विधायक नारायण देवल ने भामाशाह परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मातृभूमि को याद रखते हुए अपना फर्ज अदा किया। देवल ने कहा कि क्षेत्र की मांग एवं समस्याओं को विधानसभा में पुरजोर से उठाने का प्रयास किया। देवल ने बजट में सिवाड़ा से रानीवाड़ा होते हुए मंडार की सड़क को स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री का आभार व्यक्त किया। देवल ने कोरोना को लेकर सावधानियां बरतने की नसीहत भी दी। देवल ने बड़गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए की घोषणा भी की। पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा ने शानदार अस्पताल का निर्माण करवाने के लिए अचलानी परिवार का आभार व्यक्त किया। देवड़ा ने कहा कि भामाशाह अचलानी परिवार बड़गांव के विकास में हर समय तत्पर रहता है। पूर्व में भी भामाशाह परिवार द्वारा बड़गांव में स्वागत द्वारा प्याऊ सहित कई निर्माण कार्य करवाए गए हैं। देवड़ा ने ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार समारोह में उपस्थित मंत्री बिश्नोई एवं पूर्व मंत्री देवासी से उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल के लिए उचित प्रबंध करवाने मांग की। साथ ही देवड़ा ने कहा कि पंचायत समिति में स्टाफ की कमी है एवं एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 2-2 ग्राम पंचायतें हैं, तो कार्यों के लिए ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर बिश्नोई एवं देवासी ने हर संभव मदद एवं निराकरण का आश्वासन दिया। भामाशाह मुकेश कुमार अचलानी ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उनके पिता श्री, माता एवं धर्मपत्नी रंजन बेन की प्रेरणा से करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बड़गांव में अत्याधुनिक सुविधा युक्त भवन का निर्माण करवाया है। अचलानी ने कहा कि उनकी कर्म भूमि भले ही मुंबई है, लेकिन जन्म भूमि बड़गांव है। जन्म भूमि का फर्ज अदा करना तो बनता ही है।
उन्होंने कहा कि जब यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, संपूर्ण सुविधाएं इस भवन के अंदर मिलेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गजेंद्र सिंह देवल ने ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा बेहतर करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूरे अचलानी परिवार का 51 किलो के फूलों के हार से स्वागत किया गया। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।